राज्य के मंत्री के तारक रामाराव ने कहा है कि रियल स्टेट क्षेत्र में हैदराबाद तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य मेट्रो शहरों में हैदराबाद शहर काफी आगे है। माधापुर हाईटेक सिटी चल रहे क्रेडाई प्रॉपर्टी शो का उद्घाटन करते हुए मंत्री केटीआर ने कहा कि हैदराबाद शहर में निर्माण क्षेत्र को किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 और 15 वर्षों तक हैदराबाद को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तरवा डेली बोंडी आ तरह चेन्नई बोंडी तरह बैंगलूर बोंडी लास्ट मा दर रही तो माटा पनी ఒకసారి మా నగరానికి వస్తే ఆటోమేటిక్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు, వాళ్ళందరికంటే మీరే చాలా బాగున్నారు, మీ దగ్గరికే వస్తామంటారు. ఆ స్థాయిలో నిజానికి ఈరోజు డెఫినెట్గా భారతదేశంలో ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా వాస్తవం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ ఇస్ ద సిటీ విత్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఇట్స్ సైజ్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ. मंत्री हरीश राव ने कहा कि डबल बेडरूम आवासों पर आलोचनाएं करने वाली पार्टियां बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना यहां संभव है क्या कहकर आलोचना एवं टीका टिप्पणी किए राजनीतिक पार्टियां आज क्या जवाब देंगे कहकर उन्होंने आलोचना किए राजनीतिक दलों से सवाल किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी परियोजना देश में कहीं पर भी नहीं है और नहीं निर्मित की गई है। यह परियोजना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की ईमानदारी का प्रतीक है कहकर हरीश राव ने केसीआर की सराहना की। దేశములోనే ने ఇంత స్పీడ్ గా ఏ ప్రాజెక్ట్ గాలే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలోనే లేదు. మల్టీ పర్పస్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఇవాల ఇంత పెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ను 3.5 ఏళ్లలో పూర్తి చేయించినాం. కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చి ఆ మల్లన్న దేవుడి పాదాలు కడిగినాం. ఇవాల నీళ్లు పోయినసారి మనకు వచ్చినాయి శాంపుల్. మల్లన్న సాగర్ కేలి కొండపోచమ్మ కేలి హల్దీ వాగులు వదిలితే హల్దీ కేలి మంజీరాకి వచ్చినాయి. మంజీరా కేలి బిరబిరబిర బారుకుంటూ మన నిజాం సాగర్ దాకా కూడా నీళ్ళు వచ్చినాయి. टीआरएस सरकार के मंत्री जगदीश रेड्डी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी गंभीर रूप से आलोचना करते हुए उनकी निंदा की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नेल्ली कल्लू परियोजना को 18 मार्च से पूर्ण करने की बात कह जगदीश रेड्डी ने अब तक एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाली है कहकर मंत्री की निंदा की। उन्होंने कहा कि नलगोंडा जिले में टीआरएस पार्टी के मंत्रियों भू आक्रमण रेत माफियों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं कहकर रेवंत रेड्डी ने आलोचना की। जगदीश्वर रेड्डी मंत्री इतना చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఒక్కొక్క భాగవతం చిన్న చిన్న బిల్లులు ఇయ్యాలంటే కూడా ఈడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే సచ్చిపోయిన ఆయన బామ్మార్ది కమిషన్లు ఎన్నోసులు చేస్తుండో మీరే సోషల్ మీడియాలో చూసారు. మీకందరికి జానారెడ్డి గారు మా పెద్ద మనిషే. మేము తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా ఏమనడు. జానారెడ్డి గారు ఓడిపోయినా కూడా మాకే పని చేస్తాడని చెప్పి మీకు నమ్మకం. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिका की सड़कों के समान है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य के 5 एक्सप्रेस हाईवे बिछाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा गया है और सभी का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम परियोजना से हैदराबाद नगर की पेयजल समस्या का परिष्कार हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना शक्तिशाली हुआ तो भारत देश शक्तिशाली होगा। प्रोस्पेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए दी और मुझे खुशी है कि ये डैम कालेश्वरम के कारण हैदराबाद की भी पानी की समस्या को सुलझाया गया है। तेलंगाना एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य है। हम अक्सर एक बात कहते हैं, मैंने रिट्रोस्पेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए दी और मुझे खुशी है कि ये डैम कालेश्वरम के कारण हैदराबाद की भी पानी की समस्या को सुलझाया गया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी बात पर खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आज वाईएस शर्मिला ने असवराव पेट विधानसभा क्षेत्र के मामिला गुड़ेम ग्राम में आयोजित किसान पीड़ा सभा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर एक बड़े चोर है।
वह किसानों की जमीनें छीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधे लगाने के लिए गरीबों द्वारा सिंचाई की जा रही जमीनों की ही आवश्यकता क्यों है। सरकार राज्य में खुली जमीन पर भी वृक्षारोपण कर सकती है, लेकिन केसीआर गरीब किसानों की जमीनों पर निगाह लगाए बैठे है। इवनी परिस्थिति मरी पेदवाड़ एं तिनी बतकाली एला बतकाली गंजी तागी बतकाला लेक बतकलेक आत्महत्यलु चेसुकोवाला वरी वेसुकोवद्दंडी अनि वरी वेसुकुंटे उरे अनि बेदरिंचाडु। दांतो पापं पोयिन यासंगि वरी वेसुकुन्न वाळ्ळु कूडा ई यासंगि 17 लक्षल एकरालल्लो पोयिन यासंगि वेसुकुन्न वाळ्ळु कूडा ई यासंगि वेसुकोलेदु। अंटे 17 लक्षल एकरालल्लो वरी वेसुकोनि रैतुलु नष्टपोयारु, आ कूलीलु कूडा पनि लेक वाळ्ळु कूडा नष्टपोयारु। राज्य में किसी भी किसान को कोई तकलीफ के बिना अनाज खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है, कहकर राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगूला कमलाकर ने जानकारी दी। मंत्री कमलाकर ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों द्वारा लाए गए अनाज पर किसी प्रकार की कटौती ना करने के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। कमलाकर ने करीमनगर में धान की खरीदी करने वाले केंद्रों का स्थानीय लोगों, किसानों, नेताओं तथा अधिकारियों के साथ मिलकर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि खाद खरीदी केंद्रों के इस उद्घाटन अवसर पर कोई भी किसान दलालों या मध्यवर्ती के झांसों में पड़कर अपने अनाज का दुरुपयोग ना करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर आवंटित कर अनाज की खरीदी की जा रही है। మాకు 340,000 మెట్రిక్ టన్ ధాన్యం వస్తుందని చెప్పి అంచనా వేసినాం, 339,000 అంచనా వేసినాం. అందులో ఇప్పటికీ 181 కొనుగోలు కేంద్రాలు గాను సుమారు 1682 మెట్రిక్ టన్ ధాన్యాన్ని కూడా మనం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడిప్పుడే కోతలు స్టార్ట్ అయినాయి. దేవుని దయ వల్ల దిగుబడి చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. కొంచెం మొదలు సరికి కొంచెము ఎదుగుదల ఉండదు కావచ్చు అనుకున్నారు, కానీ మళ్ళీ మంచి ఎండలతోటి వాతావరణం అనుకూలించింది కాబట్టి క్వింటాలకు 20 के वीडियो क्लिपिंग्स को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के पास दिल्ली भेजे गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने बताया कि वीडियो क्लिपिंग की जांच एवं पूछताछ करने के पश्चात किए जाने वाले कार्यवाहियों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता बात करेंगे, कहकर उन्होंने जानकारी दी। जवाहर नगर पुलिस थाना परिधि के बालाजी नगर पुराने मार्केट विधि में स्थित वडाला मल्लाना मंदिर में चोरी की घटना घटी। मंदिर में घुसे अज्ञात चोरों ने मल्लाना स्वामी के कीमती प्रतिमाओं सहित चांदी से बने उनकी मूछे उठाकर ले गए। इस विषय की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी ने चोरी के घटना की जानकारी पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि चोरों ने मल्लाना स्वामी के चांदी से बने प्राचीन मूछों को चोर चुरा ले गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए है। पुजारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटनास्थल पहुंची पुलिस ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद से मामले की जांच पड़ताल एवं चोरों के पहचान की कार्रवाई आरंभ कर दी है। वराल मल्लन आलय बालाजी नगर वीधि समीप आलय वराल मल्लन आलय जगह संघटन उत्सव विग्रह निन्नटी रात्रि उत्सव विग्रहालनु गुंडगुलु अपहरिंचारु। कावुन उत्सव विग्रहालु एवैते उन्नायो वाटिनि తిరిగి ఆలయంలో అప్పచెప్పడం వలన వారికి శుభం జరుగుతుంది, లేదా దీని పక్షంలో వారు కుత్బుల్లాపూర్ కోంపల్లి నగర్ పాలిక మే को ऑप्शन सदस्यों के चयन पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक सहित कई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिससे उन नेताओं पर कुतबुल्लापुर कांग्रेस नेता कोमपल्ली म्युनिसिपल पार्षद कादंडी ज्योत्सना शिवा रेड्डी ने आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में विधायक विवेकानंद, म्युनिसिपल चेयरमैन, टीआरएस के पार्षदों ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार किया है, कहकर उन्होंने अपना गुस्सा उतारा। చైర్మన్ ఒక్కరు కూడా రాలేరు, మరి ఎమ్మెల్యే లేట్ వస్తారని వీళ్ళందరూ కూడా లేట్ వస్తారంట, మరి అట్లాంటి అప్పుడు ఈ బిల్లులన్నీ సొంతంగా కడుతున్నారు, వాళ్ళ ఇళ్ల నుంచి కడుతున్నారా? అంటే ప్రజల సంబంధే వాల్యూ లేదా? వాళ్ళ ఇష్టమా? ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ ఆయనకు పవర్ లో ఉన్నది వాళ్ళ పార్టీ అని చెప్పి అధికార దుర్వినియోగం కాకపోతే దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి?
కుత్బులాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారు దీనికి సమాధానం చెప్పండి. ప్రజల సొమ్ము అంటే మీకు అంత చులకనా? మీరు ఎట్లనే ట్యాక్సులు కట్టారు మీ ప్రాపర్టీలకి? అంటే వీటికి కూడా మీరు ఎగ్గొడదామన్నా? ఇప్పుడు కొత్తపేట్ వాసవి కాలనీ అష్టలక్ష్మీ మాతా కా 26వా బ్రహ్మ ఉత్సవ్ ఆగామి 1 మై సే 7 మై తక్ లగాతార్ 7 దిన్ చలేగా. मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि माता के ब्रह्मोत्सव को भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गत 25 वर्षों से यह प्रतिवर्ष उत्सव आयोजित किए जाते हैं. ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में यह आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो इसके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति द्वारा की जा रही है. उन्होंने समस्त हैदराबाद नगर वासियों से इन उत्सवों में भाग लेकर ब्रह्मोत्सव को सफल बनाने का आग्रह किया. మన అష్టలక్ష్మి దేవాలయము ఈ అష్టలక్ష్మి దేవాలయం బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతిలో బ్రహ్మోత్సవాలు మాదిరిగానే आंध्र प्रदेश राज्य में मौलिक सुविधाएं नहीं है कहकर तेलंगाना राज्य के मंत्री केटीआर द्वारा की गई टिप्पणियों पर आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री बुत्स सत्यनारायण ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के संबंध में केटीआर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी देखे बिना मात्र अपने मित्र द्वारा दी गई जानकारियों को सही मानकर कैसे टिप्पणियां कर सकते हैं, कहते हुए उन्होंने सवाल उठाए. बुत्सा सत्यनारायण ने अपने ही सहज अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना की परिस्थितियों को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी किसी से कभी उस संबंध में नहीं कह रहा हूं और ऐसे मामलों को मैं महत्व नहीं देता हूं, कहकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सत्यनारायण ने कहा कि अपने राज्य में हुए विकास के संबंध में हम कह सकते हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य के संबंध में आलोचना करना यह उचित नहीं है, कहकर उन्होंने राज्य के मंत्री केटीआर को अधिकांश रूप से अपना सुझाव दिया. తెలంగాణలో పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా చూసినా తాను ఎవరికి చెప్పుకోవడం లేదు కదా అంటూ స్పందించారు. తమ రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి చెప్పుకోవచ్చు కానీ పొరుగు రాష్ట్రాలను విమర్శించరాదంటూ బొత్స హితవు పలికారు. నాకు నిజంగా ఆయన ఏం చెప్పాడో నాకు తెలియదు కానీ చూడలేదు. చూసిన తర్వాత దాన్ని స్పందిస్తాను ఒకటి. కానీ ఆయన నిజంగా ముందు చెప్పినట్టుగా హసీనా చెప్పినట్టుగా కానీ నిజమా మాట్లాడి ఉండుంటే ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నాం. ఫ్రెండ్ చెప్పాడు నేనైతే హైదరాబాద్ వెళ్ళి స్వయంగా ఉండి వస్తున్నాను కాబట్టి అక్కడ కరెంట్ లేదు. గుంటూరు కే పరమయ్య కుంటా నివాసి బీటెక్ ఛాత్ర रमैया के हत्या मामले में गुंटूर स्थित विशेष न्यायालय ने अपना सनसनीखेज फैसला सुनाया. अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने बताया कि रमैया की हत्या किए शशि कृष्णा को कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है. गत वर्ष 15 अगस्त के दिन 20 सड़क पर सरेआम सबके देखते हुए भी शशि कृष्णा रमैया की छुरा घोप कर हत्या कर दिया था. सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए दृश्य के आधार पर 24 घंटे के भीतर शशि कृष्णा को पुलिस ने पकड़ लिया. नरसाराव पेट के समीप हिरासत में लिए डीसीपी रवि कुमार के नेतृत्व में 36 लोगों से पूछताछ एवं जांच की पुलिस ने 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दिया. विशेषताएं न्यायालय के न्यायमूर्ति राम गोपाल के समक्ष गवाहों ने अपना बयान दिया. सीसीटीवी फुटेज को भी देखते हुए न्यायमूर्ति ने इस माह की 26 तारीख को जांच कार्रवाई पूर्ण कर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायमूर्ति ने आज अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने हत्यारे शशि कृष्णा को फांसी की सजा सुनाई. ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రభుత్వం మా వెంట ఉంది.